फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं लाइंस एंड कर्व्स। ओके, तो बच्चों लाइंस एंड कर्व्स है बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये आपको अल्फाबेट के लेटर्स लिखने में बहुत ही काम आएंगे। तो बच्चों, इसलिए आज हम सीखने वाले हैं लाइंस एंड कर्व्स। तो देखो बच्चों, आज के दौरान आप जब अल्फाबेट के लेटर्स सीखना आपके नोटबुक में स्टार्ट कर रहे हो, तो इसके लिए लाइंस एंड कर्व्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको ये आ जाना चाहिए। तो बच्चों, लाइंस एंड कर्व्स आपको लेटर्स लिखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों, लाइंस एंड कर्व्स आपको अल्फाबेट के लेटर्स लिखने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको आ जाना चाहिए। तो बच्चों, हम फर्स्ट टाइप लेते हैं लाइंस। ओके, लाइंस को हम क्या बोलते हैं? लाइंस को हम स्ट्रोक भी बोलते हैं। स्ट्रोक, यस, TROCK, यस। ओके, लाइंस को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? रेखा बोलते हैं उसे। ओके, तो बच्चों लाइंस एंड कर्व के टाइप्स होते हैं। तो हम लाइंस का फर्स्ट टाइप लेते हैं। ओके, फर्स्ट टाइप कौन सा है? स्टैंडिंग लाइन। ओके, स्टैंडिंग लाइन। ओके, लाइन देखो, स्टैंड देखो, उसके जो स्पेलिंग में है उसका क्या है? और छुपा हुआ है स्टैंड मीन्स खड़ा। स्टैंडिंग लाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं? देखो, स्टैंडिंग लाइन को हम क्या बोलते हैं? सीधी रेखा। ओके, सीधी रेखा बोलते हैं स्टैंडिंग लाइन को, हम सीधी रेखा बोलते हैं। ओके, स्टैंडिंग इसमें उसका और छुपा है। स्टैंडिंग मीन्स सीधा। ओके, इसलिए उसे हम स्टैंडिंग लाइन बोलते हैं। तो स्टैंडिंग लाइन, तो सीधी रेखा कैसे होती है? देखो, सीधी रेखा ऐसी होती है, स्टैंडिंग लाइन। स्टैंड खड़ी रेखा, उसे हम खड़ी रेखा भी बोल सकते हैं। ओके, देखो स्टैंडिंग लाइन कैसी है? देखो, टॉप टू बॉटम अच्छे से देख लो स्टैंडिंग लाइन। देखो, लाइंस में सेकंड टाइप कौन सा है? स्लीपिंग लाइन, SLEEPING, स्लीपिंग लाइन, LINE, स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आड़ी रेखा बोलते हैं स्लीपिंग लाइन को हिंदी में आड़ी रेखा बोलते हैं। ओके, तो स्लीपिंग लाइन कैसी होती है? स्लीप, देखो स्लीप इसमें उसका क्या अर्थ छुपा हुआ है? स्लीप यानी कि आड़ी, कैसी? ऐसी। ओके, इसे हम क्या बोलते हैं? आड़ी रेखा। ओके, तो बच्चों देखो, स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइन में क्या डिफरेंट है? स्टैंडिंग रेखा कैसी होती है? ऐसी खड़ी, और स्लीपिंग ऐसी आड़ी होती है। ओके, खड़ी और आड़ी। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ओके, तो बच्चों नेक्स्ट लाइंस में कौन सा टाइप है? लाइंस में थर्ड टाइप कौन सा है? स्लैंटिंग लाइन, SLANTING, स्लैंटिंग लाइन, LINE। स्लैंटिंग लाइन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आड़ी रेखा बोलते हैं। आड़ी रेखा यानी तिरखी रेखा। ओके, तो स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन में दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट कौन सा है? स्लैंटिंग लाइन, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन एंड राइट स्लैंटिंग लाइन। फर्स्ट है लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन। ओके, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन यानी कि देखो, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन यानी बाई की तरफ झुकी हुई। ओके, बाई की तरफ झुकी हुई लाइन। तो कैसी होती है लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन? ऐसी होती है, देखो लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन ऐसी होती है, बाई की तरफ झुकी हुई। देखो, टॉप टू बॉटम क्या करना है हमें? ऐसे एक तरफ झुका हुआ। ओके, अच्छे से देख लो। ओके, लेफ्ट यानी कि लेफ्ट की तरफ झुका हुआ। देखो, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट की तरफ झुका हुआ, उसे हम क्या कहते हैं? लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन कहते हैं। ओके, और नेक्स्ट है राइट स्लैंटिंग लाइन।
right slanting, right slanting line, okay, right slanting line, यानी कि दाई की तरफ झुकी हुई line, okay? अच्छे से देख लो, right slanting line यानी दाई की तरफ झुकी हुई जो line होती है उसे हम क्या कहते हैं, right slanting line. देखो right slanting line कैसी होती है, ऐसी होती है right slanting line. देखो अच्छे से, right slanting line, okay? ये राइट की तरफ झुकी हुई होती है उसे हम क्या कहते हैं, राइट स्लैंटिंग लाइन कहते हैं. देखो अच्छे से, राइट स्लैंटिंग लाइन, ओके. तो क्या है, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन एंड राइट स्लैंटिंग लाइन. देखो लेफ्ट, लेफ्ट यानी कि लेफ्ट की तरफ झुकी हुई जो लाइन होती है, देखो ऐसी लेफ्ट की तरफ झुकी हुई, ओके. और राइट कैसी होती है, ऐसी होती है. देख लो अच्छे से, कैसे टू लाइन्स में क्या डिफरेंट है, देखो अच्छे से, ये लेफ्ट की तरफ झुकी हुई है और ये राइट की तरफ झुकी हुई है यानी मुड़ी हुई है, ओके. अच्छे से देख लो, कंफ्यूज नहीं होना है, ओके. तो बच्चों लाइंस में फोर है कांसेप्ट, झिक झक लाइन, ओके, झिक झक लाइन, ओके, झिक झक लाइन, ओके. तो बच्चों फोर टाइप है झिक झक लाइन. झिक झक लाइन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, झिकझैक लाइन को हम आड़ी तिड़ी रेखा बोलते हैं, आड़ी तिड़ी रेखा, ओके, आड़ी तिड़ी रेखा, ओके. तो झिकझैक लाइन कैसी होती है, देखो उसकी मीनिंग में भी उसका अर्थ छिपा है, झिकझैक, ओके, झिकझैक, ओके. ऐसी ये झिकझैक लाइन होती है, ओके, आड़ी तिड़ी रेखा होती है, ओके. तो बच्चों हमने आज क्या देख लिया लाइंस में, फोर टाइप देख लिए, ओके, लाइंस की. तो बच्चों हम क्या करेंगे, अब कर्व्स देखेंगे, ओके, कर्व्स. नेक्स्ट पॉइंट हम देखने वाले हैं कर्व्स, ओके. कर्व्स के कितने टाइप थे, यू आर वी ईयर्स, ओके. कर्व्स को हम क्या बोलते हैं, आधा गोल बोलते हैं, आधा गोल, ओके, आधा गोल बोलते हैं, ओके, आधा गोल. तो कर्व्स में फर्स्ट टाइप कौन सा है, अप कर्व, ओके, अप कर्व, अप कर्व यानी कि देखो अप कर्व को हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊपर की तरफ का आधा गोल, ऊपर की तरफ का आधा गोल, ओके. तो ऊपर की तरफ का आधा गोल कैसा होता है, देखो ऐसा होता है, देखो ऐसा अप कर्व, देखो अप कर्व ऐसा होता है, उस जो ओपन है, ओपन पार्ट है वो कैसा होता है, ऊपर की तरफ ओपन पार्ट होता है, ओके, ऐसा. और डाउन की तरफ बैक होता है, ओके. जैसे कि हम गोल कैसे करते हैं, ऐसे गोल करते हैं, तो इसमें क्या ऐसा करना है, सिर्फ ये भाग रखना है, इसे हम क्या बोलते हैं, अप कर, ओके. और सेकंड कौन सा है, कर डाउन, डाउन कर्व, डाउन कर्व यानी नीचे की तरफ का, ओके, नीचे की तरफ का. तो डाउन कर्व कैसा होता है बच्चों, डाउन कर्व देखो ऐसा होता है, डाउन कर्व ऐसा, ओके. उसका जो ओपन पार्ट है वो नीचे होता है, ओके, ऐसा, ओके, ऐसा गोल होता है, उसे हम क्या करना है, सिर्फ ऐसा कर्व करना है, ओके. इसे हम क्या बोलते हैं, डाउन कर्व बोलते हैं, ओके, डाउन कर्व बोलते हैं. थर्ड कर्व कौन सा है, लेफ्ट साइड कर्व, लेफ्ट साइड कर्व, ओके, लेफ्ट साइड कर्व, लेफ्ट साइड यानी कर को क्या बोलते हैं हिंदी में, बाई की तरफ का कर बोलते हैं, बाई की तरफ का कर बोलते हैं, ओके. तो लेफ्ट कर को ऐसा होता है, लेफ्ट साइड कर ऐसा होता है, देखो लेफ्ट साइड कर, लेफ्ट की तरफ उसका जो मुंह है वो ओपन होता है, ओके, लेफ्ट साइड कर ऐसा होता है, ओके. अच्छे से देख लो, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, अच्छे से देखो समझ आ जाएगा, ओके. फोर्थ कौन सा है, राइट साइड कर, ओके, राइट साइड कर, ओके, राइट साइड कर, यानी कि राइट
राइट साइड कर्व को दाई बाजू के कर्व, ओके, दाई बाजू का कर्व होता है। राइट साइड कर्व कैसा होता है देखो, राइट साइड कर्व ऐसा होता है, ओके, राइट साइड कर्व देखो, ये जो फोर कर्व है ये क्या है तो बच्चों, एक ये क्या है, गोल है, ओके, इसके हमने अलग अलग पार्ट किए, ओके, अलग अलग पार्ट किए, देखो ये पार्ट अलग हो गया, ओके, ये पार्ट अलग हो गया, ओके, और ये पार्ट अलग हो गया, ओके, जो हमने आर्ट सीख लिया है, क्या सीख लिया, कर्व पे जो पार्ट है वो एक ही गोल के सब क्या है, टाइप से, ओके, ये क्या हो गया अप कर, ये डाउन कर हो गया, ओके, और ये राइट साइड कर हो गया, और ये क्या हो गया, लेफ्ट साइड कर हो गया, ओके, तो ये क्या है, मेन कर्व के सब टाइप से, ओके, तो बच्चों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ओके। तो बच्चों हमने लाइंस में क्या देखा, लाइंस में फर्स्ट क्या देखा, स्टैंडिंग लाइन ऐसी होती है, ओके, सेकंड देखा स्लीपिंग लाइन ऐसी होती है, थर्ड देखा स्लैंटिंग लाइन में टू टाइप्स देखे, कौन से, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन एंड राइट स्लैंटिंग लाइन, ओके, तो लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन कैसी है, ऐसी, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन ऐसी है, और राइट स्लैंटिंग लाइन कैसी है, राइट स्लैंटिंग लाइन ऐसी है, ओके, ओके, अच्छे से देख लो बच्चों। और कर्व्स में क्या देखे हमने, कर्व्स में भी फोर टाइप्स देखे, ओके, अप कर्व, ऐसा अप कर्व, डाउन कर्व, ओके, डाउन कर्व, लेफ्ट साइड कर्व, देखो बच्चों लेफ्ट साइड कर्व, और राइट साइड कर्व, ओके, राइट साइड कर्व, ओके, तो अच्छे से देख लो बच्चों, ये क्या है, सब लाइन एंड कर्व के टाइप से, ये क्या है, सब बेसिक है, ओके, ये बेसिक है, ये सब आपको आ जाएगा तो आप लेटर्स अच्छी तरह आपके नोटबुक में लिख पाओगे, ओके, लेटर्स में क्या है, सिर्फ लाइंस एंड कर्व्स ही है, उसके बिना हम लेटर्स नहीं लिख पाएंगे, तो बच्चों ये बेसिक आना आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको ये बेसिक नहीं आएगा तो आप लेटर्स नहीं लिख पाओगे, ओके, तो इसलिए बच्चों आज का टॉपिक है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये जब ना आपको नहीं आएगा तो लेटर्स आप नहीं लिख पाओगे, तो इसलिए बच्चों ये आपको सब आना चाहिए, ओके, बच्चों आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बच्चों आप ये टॉपिक अच्छे से देख लो और सीख लो, और लेटर्स लिखना अच्छे से सीख जाओगे, तो बच्चों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक छोटी सी लाइक कर देना, और जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसी एजुकेशन नॉलेज वीडियो देखने के लिए, तो चलो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।